इंदौर में बुधवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में जुटी टीम पर एक बार फिर से हमला हुआ। इस बार इलाके के लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस वाले इलाके में भीड़ लगाकर खड़े लोगों को घर के अंदर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वहां इकट्ठा लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम के बाद अब चंदन नगर इलाके में पुलिस पर हमला किया गया है। दरअसल चंदन नगर इलाके में पुलिस और प्रशासन की बार बार अपील के बाद भी लोग घरों के बाहर गली में झुंड बनाकर खड़े होकर बातें कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने गश्त के दौरान इन्हें देखा तो घर के अंदर जाने की अपील की, साथ ही समझाया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। पुलिस की ये सलाह लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने पुलिस वालों को पत्थर से मारना शुरू कर दिया। इलाके के युवक पुलिस वालों के पीछे पीछे भागे और उन्हें पत्थर मारते रहे। पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना वॉरियर्स पर हमले की ये तीसरी घटना है। इससे पहले रानीपुरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ लोगों ने अभद्रता की थी और उन पर थूका था। इसके बाद टाटपट्टी बाखल इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव किया गया था, जिसमें टीम में शामिल दो महिला डॉक्टर्स घायल हो गई थी। न्यूज डेस्क।